लखीसराय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के निर्देश पर अमृतेश कुमार अपर पुलिस अधीक्षक चानन थाना अध्यक्ष और बिहार पुलिस के जवानों के नेतृत्व में चानन थाना क्षेत्र के जंगली इलाकों में सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें लखीसराय पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। इस अभियान के दौरान माओवादी हार्डकोर नक्सली भक्तन कोड़ा को कछुआ जंगल के पास से गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एएसपी अभियान अमृतेश कुमार ने कहा कि पंचायत चुनाव के मद्देनजर नक्सल प्रभावित चानन, कजरा और पीरी बाजार के जंगली इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्चिंग के दौरान सूचना मिली कि कछुआ गांव में भत्तन कोड़ा छिपा हुआ है, इसी सूचना पर छापेमारी कर गिरफ्तारी किया गया। बिल्कुल निकट आ चुकी है और इस अवसर पे हम लोगों को वरीय अधिकारियों से निर्देशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभियान चलाया जाए और इसको शांतिपूर्ण बनाने के लिए जितने भी उपद्रवी तत्व हैं, इस तरह के तत्व हैं, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार ये ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी कल एक सूचना मिली थी कि भक्तन कोड़ा, जो कि कई केसों में वांछित है और एक हार्डकोर नक्सली है, उसका प्रेजेंस है। एक टीम बनाई गई जिसमें जिला पुलिस और एसएसबी बन्नू बगीचा की टीम थी और हम लोगों ने छापामारी किया और जिसमें इसकी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी करके फिर इसको अग्रिम कार्रवाई के लिए हम लोग प्रस्तुत करेंगे। कहाँ पर गिरफ्तारी हुई सर? गिरफ्तारी कछुआ के जंगलों से हुई है। कछुआ के पास हम लोगों ने इसे गिरफ्तार किया और इस पे दो केस अभी तक पता चला है और बाकी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। जो केस हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2013 में कुंदर हॉल्ट के पास ट्रेन को रोका गया था और आरपीएफ के तीन जवानों की हत्या की गई थी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर रैंक के भी थे, उसमें इसका नाम है। उसके अलावा एक्सप्लोसिव रखने और इन चीज और अन्य चीज़ों में भी इनका नाम है। अभी भी ये उनके समर्थन में उनको सपोर्ट कर रहा था और यदा कदा पार्टी में जाके इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, तो ये पुलिस के लिए अच्छा चीज़ है और हम लोग इसको अभी जारी रखेंगे। कहाँ का रहने वाला है सर? ये महजनवा गांव का रहने वाला है जो कि चानन थाना क्षेत्र में पड़ता है। क्या कुछ बरामद हुआ सर? अभी कुछ बरामद भी नहीं हुई है, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और इसके पूछताछ के आधार पर जो भी हम लोगों को मिलेगा, इंटेलिजेंस मिलेगा, उसके हम लोग आगे फिर कार्रवाई करेंगे और ऑपरेशन। भत्तन कोड़ा 2013 में कुंदन हॉल्ट के पास धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन रोककर आरपीएफ जवानों की हत्या कर हथियार लूटने में संलिप्त था। इसके अलावा कई अन्य कांडों में भी वांछित था। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखीसराय से आत्मानंद की रिपोर्ट।